Hello everybody, most welcome to the YouTube festival, YouTube Friday festival. Okay, hold on. So बच्चों यू मोस्ट वेलकम टू द क्विक इंग्लिश क्विज यूट्यूब फेस्टिवल. और आज हम लोग करने वाले हैं अपनी क्विक इंग्लिश क्विज एंड वी आर गोना चेक आउट कि हु कैन हैश टैग टेक द चैलेंज एंड हु कैन एक्चुअली क्रैक द क्विक इंग्लिश क्विज चैलेंज. लेट्स सी देखते हैं कि कौन आप में से बच्चा है जो सभी के सभी इस क्विज के अंदर 6 क्वेश्चन होंगे. लेट्स सी कौन सा बच्चा है जो सभी के सभी 6 क्वेश्चन का सही जवाब दे सकेगा. ठीक है. सो बच्चों वेल ऑफ कोर्स आई एम बैक अगेन विद दिस. अगर आपको याद होगा हम लोग इन द मंथ ऑफ जून ऑल्सो हमने थोड़ी देर के लिए ये किया था, क्विक इंग्लिश क्विज सीरीज फॉलो की थी. सो हियर आई एम बैक अगेन विद दिस सीरीज एंड वेल आई होप यू ऑल डिड लर्न अ लॉट फ्रॉम दोज सीरीज. सो ये उसी सीरीज की कंटिन्यूएशन में एक क्विज है जो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं. सो दिस इज द क्विक इंग्लिश क्विज सीरीज जहाँ पे यू विल हैव टू हैश टैग टेक द चैलेंज. एंड अगेन आपको टाइम मिलेगा कुछ 30 सेकेंड्स के करीब मिलेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 30 सेकेंड्स मिलेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. एंड लेट्स सी हु goes ahead and cracks this challenge. और कौन सा ऐसा बच्चा है जो बेसिकली इन सभी क्वेश्चंस का सही सही जवाब देता है. मुझे बहुत गर्मी लग रही है, सो आई फाइनली एंड अप टाइम माई हेड. तो कौन सा ऐसा बच्चा है जो सभी क्वेश्चन का सही सही जवाब देता है. जैसे मैंने आपको कहा यू विल गेट सम क्लोज टू 20-30 सेकेंड्स टू आंसर द क्वेश्चन. एंड लेट्स सी हाउ डू यू गाइज फेयर इन दिस क्विज. लेट्स गो अहेड. सो बच्चों एज यूजुअल जैसे मैं आपकी सेशन स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ज़रूर बता देती हूँ दैट डोंट फॉरगेट टू बाय द अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन यूजिंग माय कोड SOS10. ठीक है. ये कोड लेने यूज़ करने से आपको मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन योर परचेज. देन बच्चों मोस्ट वेलकम. यू ऑल नो माई नेम. नाम तो मेरा सबको पता ही है. माई नेम इज सोनम सूदन. आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर एंड आई कम हियर विद 4 years ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस. सो या लेट्स गो अहेड. And of course, before I go ahead, bachcho, here is something very, very important for you all. Unacademy Class 6 ka Telegram ka jo channel hai, uska link jo hai description box mein hai. Agar aap logon ne wo Telegram channel join nahi kiya hai, jaldi se join kar lijiye. So that you all can, you know, get the latest updates. Jo bhi channel ke latest updates honge, aapko milte rahenge. ठीक है. यू डोंट वॉन्ट टू मिस आउट इन ऑल ऑफ दोज. सो अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द अन अकेडमी क्लास 6 का टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड ऑफकोर्स बिफोर आई गो अहेड बच्चों, बग्स बाउंटी आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. बग्स बाउंटी जो है ये एक ऐसा इनिशिएटिव है विच इज ब्रॉट यू बाई अन अकेडमी. माई थ्रोट इज पेनिंग. ओके. सो इट इज़ एन इनिशिएटिव विच इज़ ब्रॉट यू बाई अन अकेडमी जहाँ पर आप लोग अगर आपको किसी भी एजुकेटर का कॉन्टेंट इन अप्रोप्रिएट लगे तो यू ऑलवेज कैन गो अहेड एंड रिपोर्ट दैट एजुकेटर. ठीक है. इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड बच्चो हियर इट इज़ आस्क अ डाउट. आस्क अ डाउट एक ऐसा फीचर है विच अगेन इज़ ब्रॉट यू बाई अन अकेडमी जहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं अनलिमिटेड डाउट्स एनी टाइम थ्रू आउट द डे. नाउ ये जो डाउट्स जो आप लोग पूछेंगे, आपको ये आस्क डाउट को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ. पहले मैं आपको इसके और फ़ायदे बता देती हूँ. सबसे पहले आपको बच्चों जवाब में मिलेंगे हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशंस इन इंग्लिश एंड हिंदी. ठीक है. और जो आपको जवाब मिलेंगे वो बहुत ही इंस्टेंटली मिलेंगे, यानी कि एज सून एज यू सेंड योर क्वेश्चन उसी टाइम पर यू विल गेट योर आंसर. आपको जो जवाब मिलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होंगे और आप अपने डाउट्स किसी भी टाइम पूरे दिन में पूछ सकते हैं और आपको आपकी होमवर्क के लिए भी असिस्टेंस मिलेगा. नाउ द पॉइंट इज बच्चों कि आपको ये आस्क डाउट को यूज़ कैसे करना है. तो इसको यूज़ करने के लिए गो टू अन अकेडमी ऐप, क्लिक ऑन आस्क अ डाउट. ठीक है. फिर आप अपने डाउट का एक फ़ोटो क्लिक कर लीजिए. फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप उसको क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप ताकि आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए. क्रॉप करने के बाद में आप सब्जेक्ट मैच करिए एंड जस्ट गो अहेड एंड सेंड अक्रॉस योर क्वेश्चन एंड विद इन नो टाइम यू विल गेट एन आंसर. एंड बच्चों डोंट फॉरगेट टू टेक पार्ट इन कॉम्बैट जो कि है 25th of July को, विच इज़ द कमिंग संडे. एंड इस बार का कॉम्बैट होने वाला है मेगा कॉम्बैट. ठीक है. इट्स अ मेगा कॉम्बैट बिकॉज यहाँ पे यू विल गेट अ चांस टू विन
2 crore की स्कॉलरशिप, सो स्कॉलरशिप वर्थ ₹2 crore यू विल गेट टू विन। एंड क्लास 10 नाइन्थ और टेंथ के लिए है सुबह 11 बजे, 6th, 7th, 8th के लिए है 12 बजे, और 11th और 12th के लिए है दोपहर में 1 बजे। सो यस, तीनों क्लासेस का टाइम, तीनों ने एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स इसके लिए, मतलब तीन अलग अलग स्लॉट्स हैं और सब क्लासेस के अलग अलग टाइम पे हैं। डोंट फॉरगेट आप कौन सी क्लास में हो, एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन इन कॉम्बैट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ओप्स, I was supposed to show it to you. Chalo, let's go ahead and start the quiz. Are you hashtag ready to hashtag take challenge? Well, aap logon ne dekh to liya hi hai pehla question, but never mind, no problem. So, bacho, let's go ahead and we are going to start the count of 1, 2, 3. Okay, your timer has started. Go ahead and answer this question. Let's see who answers it. ओके, टाइम होने वाला है। ओके कूल, सो बच्चों टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। ओके, सो हियर इट इज, लेट्स चेक आउट दिस क्वेश्चन। डू यू नो फॉर श्योर और इज इट ओनली, देखिए दो ऑप्शंस हैं, कंजेक्चर या कंजंक्शन। सो ऑफकोर्स मुझे तो लगता है कि अगर आपको कंजेक्चर का मतलब नहीं भी पता होगा तब भी आप गेस कर पाओगे कि इसका आंसर ऑफकोर्स कंजेक्चर ही होगा, राइट? सो तभी आप लोग ये गेस कर पाओगे कि इसका आंसर कंजेक्चर ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कंजंक्शन जो है वो इंग्लिश में कंजंक्शन यूज होती हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, तो प्रॉबेबली शायद इस सेंटेंस का आंसर नहीं होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आपको पता है कि कंजेक्चर का मतलब क्या होता है? वेल, कंजेक्चर इज समथिंग विच मीन्स, तो ऐसी कोई चीज जो कि एक बस जिसका कुछ श्योर एविडेंस नहीं होता है, यानी कि यू डोंट हैव एनी श्योरिटी और एनी क्लैरिटी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, या देर इज नो सॉलिड एविडेंस सपोर्टिंग वॉट यू आर, वॉट यू थिंक और वॉट यू नो। सो इट इज समवेयर विच इज, which you feel is true but you don't have any surety or clarity for the same, that is called a conjecture. So of course yahan pe kya tumhe pata hai for sure or it's only a conjecture, ki kya tumhe, do you know this for sure, ya sirf ye sirf ek man ghadant kahani hai, ya sirf it's something which doesn't have a proof or it, or it's not a fact at all. So of course conjecture is something which you don't have a proof for, that's called a conjecture. So मान लो अगर मुझे इसको एक सेंटेंस में यूज़ करना हो तो मैं इसको ऐसे यूज़ करूँगी कि ओके देर वॉज अराउंड दैट, सो देर वॉज अ लॉट ऑफ गॉसिप अराउंड दैट कंजेक्चर ऑफ हिज बैंकक्रप्सी, अराउंड द कंजेक्चर ऑफ हिज बैंकक्रप्सी, ठीक है? सो सब लोग गेस कर रहे थे कि वो बैंक करप्ट हो चुका है, एंड दैट्स व्हाई इट वाज अ कंजेक्चर। सो दैट्स हाउ यू आर यू नो सपोज टू यूज दिस वर्ड। सो गो अहेड एंड मेक अ सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड, या फिर आप इस वर्ड का नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग जो हैं इस वर्ड को आगे जाकर भूल ना जाए, ठीक है जी? सो यस, अगेन आई विल गिव यू 30 seconds, टेक योर टाइम and frame a sentence or note it down, whatever works for you. ओके कूल कूल कूल, टाइम्स अप, आई एम श्योर आप लोगों ने वर्ड नोट डाउन कर लिया होगा। लेट अस गो अहेड एंड चेक आउट द सेकंड वर्ड। ओप्स, चलो, अरे सो ओह व्हाट्स रॉन्ग, यस हियर इट इज,
ओके कूल। सो बच्चों, देर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन इन्फैटुएशन एंड डैश लव। तो यहाँ पे डैश की जगह क्या यूज होगा, ये चेक करें आप सारे वर्ड्स, कॉन्जुगल, कंजीनियल और कॉन्जर्ड। कॉन्जर्ड, ठीक है। सो ऑफकोर्स यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, कॉन्जुगल का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मैरिज, उसको कहा जाता है कॉन्जुगल। ठीक है। सो ये अगर आप स्टेटमेंट पढ़े, ऑफकोर्स यहाँ पे यही सही जवाब है। देर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन इन्फैटुएशन एंड कॉन्जुगल लव। सो कॉन्जुगल मीन्स समथिंग विच इज रिलेटेड टू मैरिज इज कॉल्ड एज कॉन्जुगल। सो यहाँ पे कॉन्जुगल इज द राइट आंसर, बिकॉज बात हो रही है कि बेसिकली अगर आप स्टेटमेंट पढ़े तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्फैटुएशन। सो इन्फैटुएशन इज बस मोमेंटरी लव, एंड दूसरा क्या है वर्ड, कॉन्जुगल लव। सो कॉन्जुगल इज समथिंग रिलेटेड टू मैरिज। सो ऑफकोर्स यहाँ पे कॉन्जुगल इज द राइट आंसर। सो अगर मुझे मान लो कि इसका एक सेंटेंस बनाना होगा, इट वुड बी दे आर इन अ कॉन्जुगल रिलेशनशिप, यानी कि उनका जो रिलेशनशिप है इट इज ऑफ अ मैरिज, मतलब उनका एक मैरिड रिलेशनशिप है। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस वर्ड। तो बच्चों आप लोग 30 seconds आई विल गिव यू, ठीक है, आप लोग इस वर्ड को नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में। ओके कूल। टाइम्स अप, आई एम श्योर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। चलो लेट्स गो अहेड। ओके 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 सो इस क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों को दो आंसर्स को सिलेक्ट करना था। द कपल सेलिब्रेटेड देयर 10th एनिवर्सरी ऑफ डैश लव। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप लोगों ने गेस तो कर ही लिया होगा, एक तो है कॉन्जुगल यानी कि मैरिड लव, ठीक है, और दूसरा इनमें से आंसर कौन सा हो। वेल लुक एट दिस वर्ड, कनूबियल। कनूबियल का मतलब होता है, अगेन इट इज अगेन समथिंग रिलेटेड टू मैरिज। सो कॉन्जुगल और कनूबियल दोनों के दोनों वर्ड्स का यही मतलब होता है, मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मैरिज, उसको कनूबियल या कॉन्जुगल कहा जाता है। ठीक है। कंजनाइटल क्या होता है, कंजनाइटल इज समथिंग जिनको बोलते हैं ना फ्रॉम बर्थ, समथिंग विच इज देयर फ्रॉम बर्थ इज कॉल्ड एज कंजनाइटल। सो कॉन्जुगल, कनूबियल और कंजनाइटल तीनों वर्ड्स में बहुत फर्क है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉन्जुगल एंड कनूबियल दोनों आर दी राइट आंसर्स। सो बच्चों अगेन आई विल गिव यू 30 seconds, प्लीज गो अहेड एंड नोट दीज वर्ड्स डाउन। इनको नोट करना बहुत जरूरी है, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ। चलो टेक योर टाइम। ओके कूल। लेट्स गो अहेड। ओके ओके टाइम अप होने वाला है, टाइम अप होने वाला। ओके कूल, टाइम्स अप। अ डैश वर्कर अराइव्स ऑन टाइम एंड लीव्स नो मेस बिहाइंड हिम। तो यहाँ पे लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जब मैं एक क्विज बना रही थी मुझे भी इसका आंसर सही से नहीं आता था, ठीक है।
तो अभी मैं आप लोगों को ये वर्ड सिखाती हूँ. देखिए वर्ड्स देखिए, एक है कॉन्शियस, ठीक है, एक इज वन, दिस वन इज कॉन्शियंस एंड दिस वन इज कंसेंशियस. ठीक है, कंसेंशियस का मतलब होता है समबडी हु इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी डेडिकेटेड, उसको कहा जाता है कंसेंशियस. ठीक है जी, सो ये जो वर्ड है कंसेंशियस, कंसेंशियस का मतलब होता है वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी वेरी डेडिकेटेड. तो ऑफकोर्स ये अब आप तीनों यू नो वर्ड्स का मतलब समझ ही गए हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि यही वो वर्ड है जिसका मतलब है जो आंसर यहाँ पे होना चाहिए. सो कंसेंशियस वर्कर अराइव्स ऑन टाइम एंड लीव्स नो मेस बिहाइंड. सो आप लोग लिख लीजिए बच्चों, आई गिव यू 30 seconds, राइट डाउन दिस वर्ड कंसेंशियस एंड इसका साथ में आप लोग मीनिंग भी लिख लीजिए, हार्ड वर्किंग एंड अ डेडिकेटेड पर्सन इज कॉल्ड कंसेंशियस. चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, टेक योर टाइम. ओके चलो चलो बच्चों, आई एम श्योर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट वर्ड. चला देखो भाई, ये जो तीनों वर्ड्स हैं जो कि आपको मैंने अभी भी यहाँ पे कराए, इन तीनों का मीनिंग बहुत ही सिमिलर है. सो लेट अस सी कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका बिना मेरा आंसर दिए सही जवाब देते हैं. ओके, The boy's dash would not let him lie. The boy's dash would not let him lie. चलिए अभी देख चेक करते हैं. Conscious, ठीक है, conscience and consensus. Consensus का मतलब मैंने आपको बता दिया है hard working. Conscience का मतलब होता है अंतर आत्मा, ठीक है. So अंतर आत्मा बोलते हैं ना जिसको हिंदी में, वो होता है conscience. तो यहाँ पे अगर आप ये स्टेटमेंट देखें, द बॉयज डैश वुड नॉट लेट हिम लाई, यानी कि जो उस लड़के की अंतर आत्मा थी ना, वो उसको झूठ नहीं बोलने दे रही थी. सो ऑफकोर्स बच्चों, यहाँ पे यही सही जवाब है, ठीक है. सो नोट डाउन, कॉन्शियंस मीन्स इनर विजडम और इनर वॉइस, आप लिख सकते हो, ठीक है. सो नोट डाउन बच्चों, ये तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तीनों वर्ड्स में बहुत बारी कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है. सो प्लीज नोट इट डाउन एंड डोंट मेक एन एरर गोइंग फॉरवर्ड रिगार्डिंग दीज थ्री वर्ड्स. चलिए आई गिव यू 30 seconds एंड आई वॉन्ट टू ऑल्सो नोट इट डाउन. Okay. Okay, cool. The boy's dash would not let him lie. So of course, बच्चों, I hope आप सबने लिख लिया है conscience का क्या मतलब होता है. Conscience यानी कि अगर आपको इसका spelling में clarity रखनी हो तो कैसे रखोगे, कौन science, जिसके end में science लगा है ना, वो आपकी अंतरात्मा से related है, ठीक है जी. चलो let's go ahead. Okay, cool. Last question. Okay. Okay, cool. So here it is. Were you dash of his hostility? तो अब रह गए हमारा लास्ट वर्ड कॉन्शियस. कॉन्शियस का मतलब होता है
अवेयर, बींग अवेयर ऑफ समथिंग, दैट्स वेन यू आर कॉन्शियस अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, आर यू कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट दैट यू आर नॉट वेयरिंग अ प्रॉपर ड्रेस? दैट मीन्स क्या तुम इस चीज़ के बारे में अवेयर हो कि तुमने सही कपड़े नहीं पहने हैं? सो दैट्स वॉट इज मेन बाई कॉन्शियस. तो तीनों वर्ड्स क्लियर हो गए बच्चों, कॉन्शियस, कंसेंशियस एंड कंसाइंस. आई मीन नो स्पेलिंग परस्पेक्टिव से, बट इसको कॉन्शियंस कहा जाता है. ठीक है जी. सो ऑफकोर्स कॉन्शियस, कंसेंशियस एंड कॉन्शियंस, तो तीनों में बहुत फ़र्क है. सो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन ऑफकोर्स. लेट मी मार्क दिस वन, दिस इज द करेक्ट आंसर. कॉन्शियस, वर यू कॉन्शियस अबाउट द ऑफ हिज होस्टैलिटी? सो यानी कि क्या तुम्हें पता था, वर यू अवेयर ऑफ हिज होस्टैलिटी इज यहाँ पे जो सही वर्ड है. मतलब ऑफकोर्स दिस इज द राइट आंसर. सो चलिए बच्चों, 30 seconds, नोट डाउन दिस वर्ड. चलो, कॉन्शियस मीन्स बींग अवेयर. Okay, cool. So, bachcho, this was the small quick English quiz. Hashtag take the challenge, which I'm sure you all have taken the challenge. And I'm sure aap logon ne kam se kam 6, 7, 8, 9 naye words to seekhe hi honge aaj. Theek hai? Chalo, bahut achhi baat hai bachcho. I want you all to note down these words. Apni jo apni copy maintain kar rakhi hai Sonam ma'am ki classes ki, usme words add kar le. So that you just add up something new to your vocabulary today again. चलो बच्चों, थैंक यू सो वेरी मच. बट बिफोर लीविंग, लेट मी टेल यू अबाउट द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स. यू गेट टू लर्न सिटिंग इन द कंफर्ट ऑफ योर होम. आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस है सभी कोर्सेज का. आपके पास आपके टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपको पढ़ाएंगे. रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन है, पूरे सिलेबस का कवरेज है. देन आपकी मेंटरशिप एंड गाइडेंस है, स्टडी मटेरियल इन PDF है, प्रैक्टिस टेस्ट हैं, लाइव टेस्ट सीरीज हैं और बैच कोर्सेज हैं. तो ये सभी के सभी बेनिफिट्स हैं इन योर अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन. और इसकी प्राइसिंग क्या है बच्चों? वेल, 24 months की है 25,000, 18 months की है 20,000, 15 months की 18,000. और अगर आपको और भी डिटेल में प्राइसिंग समझनी है तो आप अनअकैडमी ऐप से समझ सकते हैं. एंड ऑफकोर्स यूजिंग माई कोड यू विल गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन दिस प्राइस. ठीक है. एंड देन बच्चों you also can pay according to per month basis. Then guys is your iconic subscription. So iconic subscription ke andar jo hai, you will get a personal mentor, you will get regular doubt, live doubt solution session, aapka weekly report card hoga, aapka parents connect hoga, study planner hoga aur sabhi benefits honge plus subscription ke. So of course go ahead and buy your iconic subscription using my code SOS10, which you should not forget. तो ऑफकोर्स 24 months की है बच्चों आपकी 48,000 में, 18 months की है 35,000, 15 months 32,000, 12 months 28,000 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अलग अलग तरीके से इसकी प्राइसिंग है. और इसके ऊपर मेरा कोड यूज करने से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. एंड देन बच्चों डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड SPSO10 टू अनलॉक योर फ्री क्विजेस एंड टेस्ट सीरीज ऑन द अनअकैडमी ऐप. बाय 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 बच्चों, थैंक यू सो वेरी मच. रिमेंबर, याद रखिए मेरा कोड है SOS10. थैंक यू, सी यू अगेन, बाय बाय.